कि जो बार बार कांग्रेस की टिप्पणी आती है ना कि हम इससे अलग करते हैं, ये अलग होना भी एक दिखावा है। दे आर स्पीकिंग एज द ट्रू फेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी के सही चेहरे के रूप में अपनी बात कह रहे हैं। अब देखिए, पहला आरंभ करते हैं श्रीमान दिग्विजय सिंह से। दिग्विजय सिंह का ट्वीट है, किंतु पुलवामा की दुर्घटना के बाद हमारी सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद कुछ विदेशी मीडिया में संदेह पैदा किया जा रहा है, जिससे हमारे भारत सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये स्वनाम धन दिग्विजय सिंह पुलवामा की नृशंस हत्या आतंकवादियों के द्वारा 44-45 हमारे सीआरपीएफ के जवान को दुर्घटना बता रहे हैं। उनको इतनी भी तमीज नहीं है कि जवानों के शहादत के साथ इतना क्रूर मजाक न करें, इसको कम से कम वो दुर्घटना न कहें। हैज दिग्विजय सिंह रिड्यूस हिमसेल्फ टू सच ए लो लेवल दैट ही विल कॉल द मोस्ट हीनस टेररिस्ट अटैक ऑन 45 सीआरपीएफ जवान्स एज एन एक्सीडेंट? ये सोच है। लेकिन दिग्विजय सिंह से आप और क्या उम्मीद करेंगे? जो हमारे पुराने पत्रकार मित्र होंगे उनको याद होगा कि दिल्ली में एक बाटला हाउस कांड हुआ था, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक बहादुर जवान मोहन शर्मा, जिसको आतंकवादियों ने मारा, उसको अशोक चक्र दिया गया था। और ये साहब गए थे आजमगढ़ और उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को सर में गोली लगी थी, और उस समय मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था और मैंने इसे सवाल पूछे तो ये भागते नजर आए। ये साहब वही है जो जाकिर नायक को मानवता की बड़ी प्रतिमूर्ति बताते हैं, याद होगा आपको। ये दिग्विजय सिंह वही है जो ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं। तो कांग्रेस के नेता 10 साल मुख्यमंत्री रहे और अभी भी कांग्रेस के बड़े नेता है पूरे मध्य प्रदेश में, वो इस तरह के सवाल कर रहे हैं तो इसका क्या जवाब दिया जाए? ये किस षड्यंत्र के तरफ हो के तहत हो रहा है? द बीजेपी वुड लाइक टू नो, इज ऑल दिस ट्वीटिंग ए पार्ट ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी? क्योंकि जो भी यहां कहा जा रहा है वो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। रात में हिंदुस्तान के टीवियों का मैं अभिनंदन करूंगा, वो भी दिखाते हैं पाकिस्तान के टीवी पर क्या होता है, और यूट्यूब पर कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं की टिप्पणी वहां हेडलाइन न्यूज है। उस दिन जो ऑल पार्टी मीटिंग किया था इन लोगों ने, जो प्रस्ताव पारित किया था, वो पाकिस्तान रेडियो और पाकिस्तान टीवी पर हेडलाइन न्यूज था। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।